board got dumped. हाजिर अपने खास शो वोट का दम में, वो शो जो युवाओं में कराए गए ओपिनियन पोल पर आधारित है। यूएन की एक रिसर्च के तहत सामने आया कि 80% चांसेस हैं कि हमारे देश में एक भारतीय के पास मोबाइल फोन हो, लेकिन सिर्फ 30% चांसेस हैं कि उसके पास एक साफ सुथरा टॉयलेट हो। आज हमारे देश में कहा जा रहा है करीब 16 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, 90 करोड़ के पास मोबाइल फोन है, 8 करोड़ फेसबुक यूज करते हैं, 2 करोड़ व्हाट्सएप और ट्विटर पर है। तो क्या यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आज का हमारा मसला यही है। हमारे साथ दिल्ली के युवा तो हैं ही, साथ ही खास पैनल यहाँ पर स्टूडियो में आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी कार्निका से, कार्निका सेठ जो कि एडवोकेट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुभी चतुर्वेदी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर LSR से हैं, साथ ही जितिन जैन जो कि यूथ फॉर इक्वालिटी से हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, श्रेया सिंघल है हमारे साथ, पेटिशनर हैं, इन्होंने जो फेसबुक के दौरान अरेस्ट हुए थे उस दौरान एक PL दाखिल की थी, और साथ ही हमारे साथ अरविंद गुप्ता हैं, IT सेल BJP के। पहले जो हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद हैं, क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए, मैं जानना चाहूंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेसिकली मतलब यही है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग किस तरह से यूज करें एंड आपस में उसका मतलब एडवांटेज फायदा उठाएं इंफॉर्मेशन का एंड शेयर का इंफॉर्मेशन जो हम लोग के पास है। ठीक है, करने का आपके पास आऊंगी। आपने देखा कि ज्यादातर जो हमारे युवा थे शांत थे जब उनसे पूछा क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो शायद सारे झंडे खड़े हो जाते। क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी किस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है, और कितने ही तरीकों से ये प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। जो हमारी रोज़मर्रा की लिविंग होती थी, हमें कैलकुलेटर यूज़ करना था तो हम आज की डेट में मोबाइल पे कैलकुलेट कर लेते हैं, या हम इंटरनेट पे कभी कैलकुलेट कर लेते हैं, करेंसी कन्वर्जन कर लेते हैं, तो बिजनेस में भी उसका यूज़ है। तो इंटरनेट एक जीवन के सभी जीवन का एक मीन्स हो गया। यहाँ पर कनिका, अगर मैं आपके पास आऊँ, लोग जानते बहुत हैं लेकिन रीच अभी इतनी नहीं है। ये है कुछ हद तक मैं कहूँगी, इसमें डिफर करूँगी, बिकॉज मैंने देखा है कि कई बारी स्पेशली कानून को लेके जो जानकारी नहीं होती है लोगों के पास, इंटरनेट के जरिए पहुँच रही है, चाहे विमेन राइट्स के बारे में हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में हो, या इंडिया में जैसे हम बहुत सारी इविल्स हैं, क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम, फिशिंग क्राइम हो रहा है, डेटा थेफ्ट्स हो रहे हैं, इनकी जानकारी भी नेट के थ्रू ही, इसी मीडियम के जरिए ही फैल रही है। तो एक सिर्फ और एरियाज, ये जैसे कानून के कह लिए या ह्यूमन राइट्स कह लीजिए, सिर्फ इसकी जानकारी ही नहीं फैल रही बट एजुकेशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी रोल प्ले है, और अपनी राइट्स को जानने के लिए जो भी यूजर्स हैं, नेटिजन्स हैं, उनमें अवेयरनेस फैल रही है। पॉलिटिकली हमने देखा, किसी ने अगर कार्टून लगाया तो आपने अरेस्ट करवा दिया, अगर आपने किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोला तो आपने अरेस्ट करवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपकी आजादी की बात भी की जाती है, तो वो उसका एक बैलेंस होना जरूरी है। हमारे लॉ के हिसाब से अगर कोई भी ओपिनियन तो सभी दे सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी सबके पास है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लेकिन जो आप कहते हैं ना बाउंड्री लाइन, वो ये हो जाती है कि जहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि वैसे आपके पास फ्रीडम है, लेकिन अगर जैसे ना आप छड़ी लेके चल रहे हैं तो आप किसी और को नहीं मार सकते साथ में, आपके पास फ्रीडम जरूर है लेकिन यू हैव टू सी कि दूसरे पर्सन का भी राइट इन्फ्रिंज ना हो। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि कोई थ्रेटन तो नहीं है कर रहे हम यूनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, या किसी को डिफेम तो नहीं कर रहे, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती। जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेट यूज करो, इंटरनेट तो यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, सब चीजें हैं, हम हर चीज पे जाएंगे, लेकिन वो डाटा सिक्योर है कि नहीं वो हमें नहीं पता, उसकी सिक्योरिटी हमें कौन देगा? गवर्नमेंट चाहूंगी सिक्योरिटी को लेके, आपने ये सिक्योरिटी का इशू करा उठाया है, तो सिक्योरिटी इस टाइम पे इंटरनेट पे है भी और नहीं भी। इस टाइम पे ये है कि अगर आप देखेंगे कि अगर पेमेंट गेटवे पे जा रहे हैं तो वो HTTPS है कि नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं आज की डेट में। फिशिंग ही नहीं, विशिंग और स्मिशिंग भी शुरू हो गया है। सपोजिंगली किसी को अटैक हो, वो कहां जाए? उसको ये नहीं पता कि उसको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, क्या वो इस चीज को ब्लॉक करवा सकता है? क्या करना चाहिए? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ब्लॉकिंग भी पॉसिबल है, और ये कोर्ट के
जरिए कोर्ट, एक तो ये FIR करें फटाफट, जो है कंप्लेंट लॉन्च किया जाए, उस पर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा वो जो अगर अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल पेज है तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। करने का वो स्काइप पे तलाक हो गया था, कहाँ तक ये पहुँच रहा है? देखिए वो जो तलाक की जहाँ तक बात है वो तो पर्सनल लॉ पर डिपेंड करता है कि किस कौन सा पर्सनल लॉ अप्लाई करता है, हिंदू मैरिज एक्ट है या किसके तहत शादी हुई है। तो बट हाँ, ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं जहाँ फेसबुक को लेके एक प्रिंट आउट लिया जाता है और कहा जाता है कि ये सो एंड सो पर्सन, बिल्कुल ऐसे होता है कि भाई चार्जेस ऑफ एडल्ट्री लगा दिया, चार्जेस ऑफ बायगेमी लगा दिया, या चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं। और यही स्काइप और जितने आप कह रहे हैं चैटिंग जो है या की लॉगर्स के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली गई, या कोई हो सकता है कि वीडियो क्लिप हो या कोई स्टेटमेंट्स कमेंट्स, वो उनको लेकर भी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में दिया जा रहा है।